अमल क्योंकि वो जड़ा कमीशन बनना सी उस कमीशन दा भी अजे तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिर रेजिग्नेशंस कदों तक आ रहे ने मुस्लिम लीग नवाज दे? बिल्कुल बच्चा निसार साहब ने कहे इधर मैं बात चाहवांगा थोड़ी जी, मैं जरा थोड़ा सवाल सी उहदा जवाब बल्कि साढ़े तीन मैंबरान की मौजूदगी च आ सी ये देखिया कि ऐवान बाला और ऐवान पार्लीमेंट के मैंबरान असी आपस बहस कर रहे हैं कि तुहाडे दौर च अमरीका की मदद ज्यादा आई असि दूसरे कहते हैं साढ़े दौर से ज्यादा ही जरा क्वेश्चन तुमसे हल इत निकला है कि जितनी देर तक असि संजीदगी तीन कम नहीं करा असी एक पावकार कौम और सरवाइव नहीं कर सकते। पहली गल तो यह कि सानू इस मुल्क बगैर इमदाद के चलाना चाहिए और ये चल सकता है। दूसरा सानू अमरीकन पॉलिसी और दहशतगर्दी पॉलिसी दोबारा विजिट करना चाहिए, रीविजिट करना चाहिए कि क्या साढ़े फैसले सही ने या उन्हें कोई तरमीम की जरूरत। और तीसरी गल कि जो दो काम असं करा तो फिर ये कौम का जो शराजा बिखरता नजर आ रहा है इकट्ठा हो जाए। अच्छा, अगर नवाज लीग इतने थोड़े जे मैं कट करांगी, नवाज लीग की हुकूमत आती है तो अमरीकी इमदाद नू कट कर देगी, नवाज लीग इनकार कर देगी कि कोई एड नहीं चाहिए अमरीका? मैं जरूर अपनी पार्टी की CWC या पार्लीमेंट्री पार्टी जरूर यह कहांगा, उस वक्त भी कहांगा हुन भी कहांगा कि सानू एक बावकार कौम की तरह देखो जो जो एटमी धमाका किया अमरीका ने कहा कि मैं मदद नहीं करांगा, उसने तीन साल मदद नहीं की। क्या पाकिस्तानी मियां साहब तो करना ही नहीं चाहते धमाके? और कौन कर गया? कर गया धमाका अमरीका कर गया, अमरीका दे टेलीफोन ने उस वक्त किया शायद नहीं सारी गल सही बल्कि मैं चश्मदीद गवाह यानी उस वक्त मैं जो चीजें सरकारी साहब के बारे में उन्होंने वो तुसी कहंदे सही है, जो मियां साहब के बारे में उन्होंने विकीलीक्स को गलत जानी उसी गल है कि अगर अगर करारदाद पे अमल ना होया तो इस्तीफे, हां अगर करारदाद पे ना होया कितना टाइम, कितना टाइम, कितना इधर जो के उन्होंने इजलास से बैठेंगे। अच्छा, और सानू इस्तीफे देन साड़ी पूरी पार्टी नू कोई पार कितना टाइम मजीद तुसी देखोगे कि अगर अमल नहीं होंदा उसके बाद रेजिग्नेशन आ जाएगी? ये बिल्कुल बैठ के इस गल दा तय किया जाएगा इस्तीफे ने कि कदों देने ने, ठीक है इस गल दा तय करेंगे, लेकिन इस्तीफे देन वास्ते सारी पार्टी तैयार ने, जेब च पैसा इस्तीफा करना चाहता है इस वक्त पहले। अच्छा जी, वक्त थोड़ा रह गया, बुलेदी साहब हिलरी क्लिंटन भी पाकिस्तान का दौरा करन लगी ने, क्या समझते तुसी कि कौन सी ऐसी लाइन हुन हुकूमत पाकिस्तान नू लेनी होएगी जो मुजाकरात होंगे अमरीका और पाकिस्तान दी लीडरशिप के दरमियान, क्या मैसेज देना चाहिए अमरीका नू? मैं समझता हूँ कि इस ड्रोन हमले के बाद और ये जो ज्वाइंट सेशन में जो एक मुत्तफिका एक फैसला पूरी कौम ने किया इसकी खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान उसको बताएं अमरीका को कोई आपका एलिगेटर यहाँ दौरा नहीं करेगी। अच्छा, जो दौरे करेगी आकर यहाँ धमकी देगी, जैसा एक सेनेटर आया एक उसने यहाँ आकर हमें धमकियां दी, बातें की, आंखें निकाली, तो ये हमारा आजाद मुल्क है और अगर हम बावकार कौम के साथ रहना चाहते हैं तो ये हमारा आखिरी लिमिट है कि हमारे सलामती पर अटैक है। और ये के अभी ये एक मेहरान जो नेवी पर हुआ कराची जी जी। ये हमारे लिए एक इबरत है, हमें हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारा आर्मी क्या कर रहा है, हमारे इदारे। दूसरी बात ये कि ये एक प्रोसेस है, अमरीका आखिरकार जाकर कि जी आपके एटमी असर से एटमी कुत गैर मापूजातों में बहाना, ये बहाना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें बैठकर हिलरी क्लिंटन मना कर देना, और हमें बैठकर तमाम पार्टियों को मैं इनको भी मशवरा देता हूँ कि फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अगर हिलरी क्लिंटन आके आके मौलाना साहब को नाम मिलन दी आगे अगर आती है तो वो उसने कहा कि मैंने मौलाना साहब को मिलना है तो मौलाना साहब इनकार कर दे, मौलाना साहब इनकार बिल्कुल अभी इनकार कर देंगे, जब बिल्कुल जब तक ठीक है जब तक वो अपने ये जो खिलाफ वर्जी पूरी कौन के साथ एक बात में कहता हूँ कि अभी अभी हमारे साथ ये होना चाहिए, इनको भी हुकूमत छोड़ना चाहिए, तमाम जमीयत ने छोड़ा है नून सब हम इकट्ठे होकर इस हुकूमत को बताना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुकूमत भी छोड़न दी भी गल कर रहे, दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन एक लाइन मैनू चाहिए है हुकूमत भी छोड़ रही है एनपी इन्हां दे प्रपोजल ते नहीं, हम किसी को छोड़ते नहीं है। अच्छा, खास तौर पे हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं, हम दोस्त भी किसी को नहीं छोड़ते जी। हिलरी क्लिंटन ने नाल क्या क्या बात करनी चाहिए थी हुकूमत पाकिस्तान? नहीं, वो एक मुल्की वजीर खारजा है, उसके साथ अपने मफाद की बात करनी चाहिए कि हमें ये तक करना चाहिए, मना कर देना चाहिए दुनिया में ये नहीं होता, क्या बात करनी चाहिए,
ये तो हमें धमकियां देकर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा राणा नजीर साहब, सेंटर इस्माइल बुलेवी साहब और पीर हैदर अली शाह साहब। एंड नाजरीन छोटी जी दो चार अशार दे मुश्तमिल एक छोटी जी नजम है जो इस तमाम इस वक्त जो सुनहरी और माहौल है उस दे नाल मुताबकत रख दे तुहाडे सामने रखांगे। मेरे वतन के उदास लोगो न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे ख्वाहिशों की किताब मांगे न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो वतन को अपने हमें थमा दो। हम हैं अहले ईमान सारे न हम में कोई सनम कदा है हमारे दिल में बस एक खुदा है। राश्ता से आने इजाजत हो रब राखा।